हेलो दोस्तों, तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो जैसे कि दोस्तों, मैंने एक महीना पहले एक वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया था कि बिहार एसएससी की इंटर लेवल पर नई भर्ती बहुत जल्दी 10,000 प्लस पोस्ट पर भर्ती आया था। तो दोस्तों, ये वैकेंसी रिलीज हो चुका है। तो जो भी कैंडिडेट चाहते थे बिहार एसएससी में जॉब करना, बिहार एसएससी का फॉर्म अप्लाई करना, तो वो तैयार हो जाइए। अप्लाई डेट से लेकर इसमें ज्वाइनिंग तक ले पूरी प्रोसेस वीडियो में हम जानेंगे। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस, सब्जेक्ट क्या है, इसमें निगेटिव मार्क एग्जाम में है कि नहीं, प्री का सिलेबस, मेंस का सिलेबस, सारा ए टू जेड जानकारी डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि इसकी अप्लाई डेट कब से स्टार्ट है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि ये बिहार इंटर लेवल पे न्यू वैकेंसी है जो 2023 में आई है। तो दोस्तों, बिहार एसएससी की 10 साल पहले वैकेंसी आई थी जो 2013-14 में वैकेंसी आई थी, जो बहुत लेट से प्रोसेस हुआ, लेकिन इस वैकेंसी को बहुत जल्दी होगा क्योंकि आपको पता है कि 2024 में लोकसभा के इलेक्शन है। तो इलेक्शन के लेके आप लोग सोच रहे हो कि बिहार एसएससी है तो लेट से एग्जाम लेगी, 2 साल 4 साल 10 साल में क्लियर करेगी, तो पिछले वैकेंसी की तरह इस बार नहीं होने वाला क्योंकि इस बार इलेक्शन है। तो इलेक्शन से पहले इसको निपटाने की पूरी कोशिश किया जाएगा क्योंकि उसको वोट बैंक बनाना है, बिहार सरकार को वोट बैंक बनाना है। तो चाहेगी वैकेंसी जल्दी निपटा दे कि हम भी लोकसभा में वोट के लिए दावेदार रहे अपनी पार्टी की तरफ से। तो दोस्तों, अब आपको हम बताते हैं कि इसमें टोटल 11,098 पोस्ट वैकेंसी है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 10,000 प्लस वैकेंसी आ रही, तो 11,098 वैकेंसी है। दोस्तों, इस चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट, कोई वैकेंसी आने वाली हो गई या आएगी उसके लिए ए टू जेड जानकारी मिलती है। तो ज़रूर आप लोग को इसलिए कहते हैं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे जुड़ी कोई भी नोटिफिकेशन आएगी आपको पता चलेगा। सरकारी जॉब से लेकर ए टू जेड अपडेट इस चैनल के थ्रू आपको दिया जाएगा। और बात करें इसमें मेल में, तो 7,014 पोस्ट मेल में है और फीमेल में 3,884 टोटल पोस्ट है। तो ये समझिए, अब कैटेगरी वाइज हम लोग वैकेंसी के डिटेल समझे तो जनरल में 5,064, बीसी में 1,249, ईबीसी में 1,884, ईडब्ल्यूएस में 1,090, एससी में 1,376, एसटी में 76 और बीसी फीमेल के जो आरक्षण अलग से रहते हैं उसमें आपको 368। तो ये अपनी कैटेगरी वाइज अपनी पोस्ट देख सकते हैं और आपको हम इसकी नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। तो टेलीग्राम के चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से देख लीजिएगा नोटिफिकेशन अच्छी से आप। अब हम इसमें जानते हैं कि इसका अप्लाई डेट आपको 27 सितंबर से 11 नवंबर तक अप्लाई डेट है, यानी कि लगभग 1.5 महीना के अप्रॉक्स इसमें अप्लाई डेट है, यानी कि अच्छा खासा अप्लाई डेट है। तो पूरा अक्टूबर है और आपको सितंबर में कुछ दिन और नवंबर में 10 से 11 नवंबर तक। तो दोस्तों, ये अप्लाई डेट हो गया। फी की बात करें तो अगर आप जनरल है, बीसी है, ईबीसी है, ईडब्ल्यूएस या अदर स्टेट के कोई भी कैंडिडेट है तो उससे बाहर सारे मतलब 540 रुपये की फीस लगेगी। जो अदर स्टेट यानी ऑल इंडिया वैकेंसी है, अदर स्टेट की कैंडिडेट भी ये अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें एससी, एसटी, पीएच और फीमेल कैंडिडेट जो भी है उनको 135 रुपये की ओनली चार्ज लगेगी, ये आपको एप्लीकेशन फ़ी होगी। एज की बात करें तो अगर आप जनरल मेल से हैं तो आपको 18 से लेकर 37 साल की एज चाहिए, यानी कि इतनी एज होनी चाहिए आपके। अगर आप एससी एसटी से है तो आपको 18 से 42 साल चाहिए, मैक्सिमम 42, मिनिमम 18 साल। अगर हम जनरल फीमेल की बात करें या बीसी बात करें या ईबीसी बात करें तो दोस्तों इसमें आपको 1840 है, जिसमें आपको जनरल फीमेल भी है, अब बीसी में मेल फीमेल दोनों है और इसके बाद ईबीसी में मेल फीमेल दोनों है, जिसकी आपको 18 से 40 साल तक ये आपकी एज कैटेगरी रहेगी। अब एज लिमिट कब से कब रहेगी, यानी कि 1 अगस्त 2023 की आपकी एज लिमिट, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है यानी मिनिमम जो एज लिमिट है, ये आपको 18 साल हो जाना चाहिए आपको 1 अगस्त 2023 के। तो ये आप अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा कि मेरा 18 साल हुआ है कि नहीं हुआ। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 है, यानी कि 12th पास कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, किसी भी फैकल्टी से हो आप। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपकी प्री एग्जाम होगी जो उन्हें क्वालिफाई करना, ये क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस एग्जाम होगी, मेंस एग्जाम के बाद आपकी डीबी होगी। इसमें मेडिकल ना के बराबर होते हैं तो मेडिकल मैंने नहीं नोट किया है। तो दोस्तों, ये इसकी सिलेक्शन प्रोसेस होगी। अब बात करते हैं इसमें, देखिए प्री एग्जाम का 5 गुना मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाए, यानी कि प्री एग्जाम में आपको टोटल 11,098 पोस्ट है, इसका 5 गुना आप करिए तो 55,490 कैंडिडेट को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। और मेंस में ये है कि मेंस के लिए अब अलग से आपको फॉर्म भरना होगा, यानी कि प्री क्वालिफाई कर जाएगा 55,490 स्टूडेंट। इसमें से जो भी कैंडिडेट आप चाहे मेंस के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसका नहीं मन है वो नहीं करेंगे। किसी के अदर वैकेंसी में हो गई जॉब वो चाहेंगे तो वहाँ नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ तक
55,490 ही मेंस में अप्लाई कर सकते हैं, इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा तो होना असंभव ही है। तो दोस्तों ये आप समझ रहे हैं। अब इसके हम लोग प्री सिलेबस जानते हैं कि प्री एग्जाम की सिलेबस क्या है। तो मैथ से आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग से आपको 50 क्वेश्चन, साइंस से 25 क्वेश्चन और जीके से 50 क्वेश्चन, ये इसकी प्री की सिलेबस हो गई। देखते सर मैथ और आपको साइंस ये दोनों 25-25 है, बाकी रीजनिंग और जीके पर ज़्यादा आपको ध्यान देना है क्योंकि 50-50 क्वेश्चन। प्री की सिलेबस में आप देख लिए यानी कि टोटल आपको 150 क्वेश्चन 600 मार्क, यानी कि एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क की होगी, यानी कि 150 क्वेश्चन 600 मार्क की आपकी एग्जाम हो गई। टाइमिंग की बात करें तो 2 घंटा 15 मिनट की इसमें टाइमिंग रहेगी, यानी कि 2 घंटा 15 मतलब 2.25 घंटा के टाइम पर। निगेटिव मार्किंग बात करें तो दोस्तों निगेटिव मार्किंग यहाँ गलत लिखा गया, यानी कि प्रत्येक गलत होने पर आपका एक नंबर काट लिया है, यानी कि हर गलत होने पर एक नंबर काटा है। एक क्वेश्चन सही करिएगा तो आपको 4 पॉइंट मिलेगा, एक क्वेश्चन आप गलत करिएगा तो एक नंबर आपको काट दिया है। ये आपकी प्री की सिलेबस हो गई। अब हम मेंस की सिलेबस की बात करें तो मेंस में जैसे मैथ और साइंस मिला के 25-25 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको 50 क्वेश्चन आएंगे और जीके से आपको 50 क्वेश्चन, यानी कि जो आपको प्री की सिलेबस है वही आपको मेंस की सिलेबस है, दोनों की सिलेबस सेम है। बस प्री की एग्जाम ओनली क्वालिफाई नहीं चाहे, यह पास करने के बाद फिर मेंस के लिए आप दोबारा अप्लाई करना होगा, दोबारा अप्लाई करने के बाद ये आपकी मेंस की सिलेबस हो गई। तो दोस्तों ये आप जान लिए। इसमें आपको बात करें तो टोटल इसमें भी 150 क्वेश्चन 600 मार्क, यानी कि एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क के हो गए, यानी कि टोटल आपको 2.25 घंटा की टाइमिंग मिलेगी जो एग्ज़ाम के लिए। निगेटिव मार्क बात करें तो प्रत्येक गलत होने पर एक क्वेश्चन आपको काट लिया जाए। दोस्तों इसी सेशन में आपको एक और एग्ज़ाम होगी जो आपको हिंदी की एग्ज़ाम होगी, जो हिंदी की टोटल आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जो 400 मार्क की आपको एग्ज़ाम होगी। टाइमिंग की बात करें तो 2 घंटा 15 मिनट की टाइमिंग इसमें भी रहेगी और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें भी एक गलत होने पर एक नंबर काट है। ये आपको हिंदी की एक सिलेबस होगी जो ओनली क्वालिफाई नेचर होगी, जो ओनली क्वालिफाई नेचर है, इसमें मेरिट से कोई मतलब है। जिस दिन मेंस की एग्ज़ाम हो उसी दिन आपको ये हिंदी की एग्ज़ाम होगी जो ओनली क्वालिफाई नेचर, इसमें 100 क्वेश्चन 400 मार्क और 2.25 घंटा का टाइमिंग, एक गलत होने पर एक नंबर आपको काट लिया। तो ये आपकी हो गई प्री और मेंस की सिलेबस, एक हिंदी की जो क्वालिफाई नेचर की ये सिलेबस हो गई। अब बात करें कि मिनिमम पासिंग मार्क क्या रहेगी, यानी कि एग्जाम में मिनिमम पासिंग मार्क रहेगी, ये प्री और मेंस दोनों में रहेगी ऐसा वैलिडिटी। तो प्री और मेंस दोनों की हम बात करेंगे तो आपको जनरल के लिए 40%, बीसी ईबीसी के लिए आपको 36.5%, एससी एसटी के लिए 32% और फीमेल के लिए 32%, ये आपकी परसेंटेज हो जाएगी जो पासिंग मार्क। यानी कि जनरल की बात करें तो आपको आउट ऑफ 600 में 240 मार्क लाना है, बीसी ईबीसी की बात करें तो आपको टोटल आउट ऑफ 600 में आपको 219 मार्क लाना है मिनिमम, एससी एसटी की बात करें तो 192 मार्क आपको मिनिमम लाना है और फीमेल में भी 192 मार्क मिनिमम लाना है। ये आपको मिनिमम आउट ऑफ 600 में लाना है, इससे कम लाइएगा तो आपको वहाँ कॉपी भी चेक नहीं किया जाएगा, वहाँ का आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो दोस्तों ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ये मत सोचिएगा इतने नंबर ले लेते हम पास करें क्योंकि कटअप बहुत हाई जाने वाले है। तो दोस्तों कटअप के लेकर हम पिछले वाले कटअप जो है BRSSC की जो 2014 वैकेंसी है इसकी कटअप हम नेक्स्ट वीडियो में ला देंगे। तो उस वीडियो में आपको बता देंगे कि प्रीवियस ईयर प्री और मेंस की कटअप क्या गई थी और मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क से कितनी ज़्यादा मार्क लाना है कि आपको सिलेक्शन हो जाएगी BRSSC इंटर लेवल में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, निगेटिव मार्किंग के बारे में A to Z जानकारी जान लें और फॉर्म कब से अप्लाई हो रहा है वो आप जान लिए। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट इसकी एलिजिबिलिटी रहती है फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा और नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे इसके प्रीवियस ईयर कटअप क्या थी, कितनी कटअप गई थी प्रीवियस ईयर प्री एग्जाम की और मेंस एग्जाम की। तो दोस्तों इस वीडियो में जितनी भी जानकारी हो सके वो पूरा आपको हम प्रोवाइड करवाएं। बाकी इस वीडियो आपको पसंद आया होगा, फिर भी कोई कन्फ्यूजन या डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर लीजिएगा, आपकी कमेंट के हम जरूर रिप्लाई करेंगे। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।